हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बजाज के EMI कार्ड के बारे में। दोस्तों, बजाज का EMI कार्ड है और आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि बजाज जो भी बंदा ऑनलाइन परचेज करता है या फिर बजाज के थ्रू कोई लोन लेता है या फिर EMI कार्ड लेता है उसके थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो वो बहुत, क्योंकि बजाज वाले ने बहुत धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि वो ECS में जो आपको बैंक में ऑटो डेबिट करना पड़ता है उसके द्वारा, अगर ऑटो डेबिट है आपके बैंक में बजाज की EMI, तो आपके लिए ये जो वीडियो ये स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बजाज वाले ECS उठाते हैं तो वो एक महीने में 4 बार भी ले लेते हैं, 5 बार भी ले लेते हैं। और जो आपके जो बैंक में अगर पैसे नहीं रहेंगे, जो फंड नहीं रहेगा या बैलेंस नहीं रहेगा, तो वहां से वो, जैसे मान लो आपके बैंक में 1600 रुपए है क्योंकि आपकी किस्त है 1500 रुपए की, तो आपने 100 रुपए एडवांस डाल रखा है वहां पे, तो वो 1600 की जगह 1700 रुपए वहां से ऑटो डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो वहां पे जो बैंक में ECS के चार्ज लगता है, जो फंड है, अगर आपका जो फंड नहीं है, पे बैलेंस नहीं होगा, तो वहां पे आपको जो बैंक है ना वो चार्ज अलग से लेता है, बाकी जो बजाज की EMI जो बाउंस होती है उसका 500 रुपए वो अलग से लेते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी जो ये परेशानी चल रही है, क्योंकि मेरे पास एक भाई ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि मेरे पिछले महीने में उसके बैंक में उसकी EMI से ज्यादा पैसा था, 100 रुपये एडवांस यानी एक्स्ट्रा डाल रखा था, फिर भी उसकी EMI जो बाउंस हो जाती है और बाउंस होने के बाद में 2 बार उसके बैंक में ऑटो डेबिट होती है और 295 रुपये तो बैंक वाला डेबिट कर लेता है, उसको माइनस कर लेता है, बाकी जो बजाज की बाउंस होती है वो यानी 600 रुपये बाउंस का चार्ज लगता है बजाज में। मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसी परेशानी रहे, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि ये बजाज वाले धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो मैं आज उसका एक रास्ता बताऊंगा कि आप उसके द्वारा उसको जो आपके बाउंस जोड़ रखा है आपके बैंक में, जो ECS कट रहा है और वो एक महीने में 4 बार, 5 बार या 6 बार या 2 बार उठा रहे हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि बजाज वाले की जैसे 2 तारीख को EMI आती है, लेकिन वो 30 तारीख को भी ECS काट लेते हैं या फिर ऑटो डेबिट कर लेते हैं या फिर एक को भी कर लेते हैं, 2 को भी कर लेते हैं। तो उसी के बारे में मैं एक बात बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ऐसे फ्रॉड हो रहा है बाजार के थ्रू, तो आप एक काम करिए, पहले तो आप एक एजेंट को, जो इनके एजेंट होते हैं वो आपके आसपास ही रहते हैं, क्योंकि हर इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है बजाज की, तो उनकी जो एजेंट है वो आपके आसपास ही रहते हैं, तो वो अगर बाउंस होएगी आपकी जो EMI तो आपको वो कॉल करेंगे, तो आप एक काम करना उसको घर पे बुलाना, क्योंकि घर पे बुलाएंगे तो आपका जो भी आपके साथ जो धोखाधड़ी हुआ, ECS कटा है, ऑटो डेबिट हुआ है, तो वो उसके बारे में पूरी डिटेल बताना उसको। बताने के बाद में बोल देना कि अगर वो बोलेगा कि ये बाउंस आपको लगेगा या वैसे होगा वैसे होगा, तो आप बता देना कि भाई मैं पहले तो इसके बारे में एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो बैंक में वो फंड पूरा EMI से एडवांस मैंने रखा था, फिर भी ECS यहाँ पे मेरे ऑटो डेबिट हो रखी थी, तो वहाँ पे बाउंस चार्ज लगा है मेरे 500 रुपये, तो ये जो बजाज वाले हैं वो EMI का बाउंस चार्ज लगा है, बाकी 295 रुपये मेरे जो बैंक में वो बराबर कर दिए गए। तो वो भाई मेरे से बोल रहा था कि मेरे पास में 1500 रुपये, मेरे पास जो 295 295 ये से मैसेज आता है मेरे पास, और पूरे जो 1500 1600 रुपये थे मेरे वो पूरा माइनस हो जाता है वहाँ पे। तो दोस्तों, मैं उस भाई का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको कि उसके साथ क्या फ्रॉड हुआ है। तो उसके बारे में एक ही बात बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन कोई भी पैसे अगर EMI पे करते हो, अगर आपके साथ ऐसा हो रखा है और आप परेशान है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पहले तो आप उसकी बाउंस और जो EMI वो आप वहां पे करना बंद कर दीजिए पहले, क्योंकि वो पे करेंगे आपकी बार जो बाउंस लगेगी और आप पे कर देंगे, तो फिर वो अगले महीने में वो वैसा ही होगा आपके साथ जैसे इस महीने में हुआ। और उसी भाई के साथ इस महीने में भी, जैसे मार्च का महीना है, तो उसके 29 तारीख को भी EMI जो ऑटो डेबिट थी वो 29 तारीख को भी हुआ था, और फिर 2 बार तो 30 तारीख को ऑटो डेबिट हुआ था, उसके 295 295 रुपये 30 तारीख को बाउंस चार्ज भी लग गया और बाकी जो बैंक में उसके पैसे पड़े थे 295 295 रुपये 2 बार ऑटो डेबिट हुआ, तो वो माइनस वहां पे हो गया। उसकी EMI थी 2 तारीख को, लेकिन फिर भी वो बजाज वाले ने क्या किया कि वो 30 तारीख को एक बार, तो 30 तारीख को 2 बार ऑटो डेबिट किया और फिर 31 तारीख को, 31 मार्च को ऑटो डेबिट किया, क्योंकि इसकी उसकी EMI तो 2 तारीख को, 2 मार्च को ही पे कर दिया था वो बाउंस के साथ, मतलब उन पेलेंटियों के साथ जो क्लियर कर दिया था। उसके बाद में वो पहले ही यानी 28 तारीख को अपने बैंक में यानी 1600 1575 रुपए की EMI आती है उसकी, तो वो 1600 रुपए वहां पे बैलेंस रखा था कि भाई कभी भी अपनी ऑटो डेबिट हो जाएगी, लेकिन वो 30 तारीख को 2 बार ऑटो डेबिट होती है और वहां पे 295 295 रुपए माइनस हो जाते हैं उसकी बैलेंस में से। फिर वो पहले तो ये देखता कि क्या पता कुछ, फिर 31 तारीख को फिर 2 बार उसकी जो ऑटो डेबिट होती है वहां पे 295 295 रुपया EMI चार्ज कर जाता है उसका, जो ECS चार्ज कर जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके साथ ये हो रहा है और कंटिन्यू होएगा ये आपका, क्योंकि बजाज वाले एक दिन में 10 बार भी ECS काट सकते हैं,
तो मैं इसके रास्ता एक ही है कि अगर आप उसकी ईएमआई जमा मन कराइए, जो इनके जो बजाज के रिकवरी एजेंट है वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद में आप बोलिए, वो ईएमआई के लिए बोलेंगे, तो आप उसको बोलिए कि आप पहले तो आप मेरे से मिलिए, तो आपसे वो मिलने आए, तो उसको वो जो पूरी आपकी जो स्टेटमेंट है वो दिखाई, और बैलेंस जो कितना डाला था आपने वो पूरा डिटेल में दिखाई उसको, और उसको बोलिए कि अगर ये बाउंस या और ये पूरा डिटेल आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये अगर मेरे किस चीज का चार्ज लगा रखा है, क्योंकि ईएमआई तो आती है मेरी 2 तारीख को, तो मैंने 28 तारीख को यहाँ पे बैलेंस डाल दिया था, लेकिन वो 30 तारीख को आपको ऑटो डेबिट कैसे हुई, तो आप उसको पूरी डिटेल में बताइए, और उसको बोल दीजिए भाई मैं तो 1 रुपये नहीं दूंगा बजाज को, क्योंकि जब तक मेरा जो ये क्लियरिटी नहीं होगी, ये क्लियर नहीं होगा, तब तक मैं 1 भी पैसे नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते वो, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है। तो आप घबराए मत, उसको क्लियरिटी बोले कि भाई वो आपको ऐसे बोलेगा कि मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, कुछ ही नहीं करने वाले हो, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी रहती है कि भाई जो नियम है नियम के अनुसार चलिए और नियम के अनुसार ईएमआई जो ये पे करिए। लेकिन उसका जो धोखाधड़ी वाला मामला है, तो या तो आप उसके ऑफिस में जाकर बात करिए, तो ऑफिस में तो मेरे पास मेरे को पता है कि कोई सुनेगा नहीं आपकी, क्योंकि वहां पे इतना सुनते भी नहीं है इस चीज का। या आपको क्लियरिटी चाहिए तो आप उसके एजेंट को फिर बुलाइए, अगर बुला के आप उससे बात करिए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, और मैं 1 रुपये देने वाला नहीं हूँ बजाज से, आप जो करना है वो कर सकते हैं आप, क्योंकि आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो कंज्यूमर कोर्ट में भी यही फैसला होगा कि अगर आप ईएमआई 2 तारीख की है तो आपने 30 तारीख को पैसे ऑटो डेबिट कैसे किए। मेरे पास जो स्क्रीनशॉट भेजा उस भाई ने, मैं वो पूरी डिटेल आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके साथ भी ये फ्रॉड हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों यही था वीडियो, और मैं आगे आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ उस भाई का जो मेरे पास भेजा है, कितनी बार ECS कटी है और कितना रुपए उसके पास माइनस किया है, कितनी पहले एंट्री जोड़ रखा है, क्योंकि उसने मैं बोल रहा है कि भाई 1 रुपये भी मैं उस बजाज का रुपए जो बाउंस हुआ था कभी बाउंस किया ही नहीं मैंने, फिर भी वो ऑटो डेबिट के चक्कर में बाउंस हो जाती है। अरे मेरे पास जो ECS चार्ज लगता है बैंक ले लेते हैं 295 रुपये, तो 1 महीने में 4 बार ऑटो डेबिट हो रही है उसकी। तो यही था कारण, आप पैसे मत दीजिए उसको बजाज को, आपके आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको वो जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस भाई ने 17,324 रुपये की ये ऑनलाइन एक मोबाइल परचेज किया था, बाय किया था, और इसकी जो डाउन पेमेंट है 3150 रुपये डाउन पेमेंट दिया था, और 1575 की EMI है। और आपको दिखा देता हूँ कि ये 30 तारीख को यानी 30 मार्च को 1600 रुपये अपने बैंक में डाला था EMI के लिए, और 30 तारीख को ही इसकी जो अमाउंट है 295 रुपये जो ECS कटी थी वो 30 तारीख को ही कटी थी, और फिर ये दूसरी जो ECS से ऑटो डेबिट हुई थी 295 रुपये बैंक चार्ज, और फिर 3 तारीख को आप देख सकते हो 3 तारीख को भी 295 दो बार ऑटो डेबिट हुआ था, और ये बैंक की जो स्टेटमेंट वो भी आप देख सकते हो 295 डेबिट होने के बाद में भी 1705 रुपये बैलेंस है इसके बैंक में। ऊपर देख सकते हो आप 6 तारीख को भी 8 रुपये 71 पैसे यहाँ पे क्या पता कौन सा चार्ज लगा रखा है, और ऐसे बहुत सारे चार्ज लगा रखे हैं।